ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में विकसित भारत 2047 के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की समृद्धि और भविष्य पर चर्चा हुई। इस ऐतिहासिक आयोजन में हिमाचल प्रदेश के अर्नी यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर विवेक सिंह को बतौर अतिथि आमंत्रित किया गया था, जो प्रदेश के लिए गर्व का क्षण साबित हुआ। डॉक्टर विवेक सिंह को ये प्रतिष्ठित निमंत्रण यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड रामी रेंजर की ओर से प्राप्त हुआ था। ये पहला मौका था जब अर्नी यूनिवर्सिटी के चांसलर को भारतीय शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों पर बात रखने के लिए ब्रिटिश संसद में आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रिटेन के कई वरिष्ठ मंत्री और प्रतिष्ठित हस्तियां भी मौजूद रही। डॉक्टर विवेक सिंह ने अपने संबोधन में भारतीय शिक्षा व्यवस्था की गहराई, सांस्कृतिक धरोहर और उसके वैश्विक व्यावसायिक महत्व को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया है कि कैसे सदियों की गुलामी के बावजूद भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता को संजोए रखने में सफल रहा है और आज विश्व में अपनी एक सुदृढ़ पहचान बना चुका है। उन्होंने कहा कि आज भारत में 1013 विश्वविद्यालय, 1396 कॉलेज और 4,33,00,000 छात्रों के साथ हम शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला रहे हैं। भारत के भविष्य की रूपरेखा खींचते हुए डॉक्टर विवेक सिंह ने कहा कि भारत एक बार फिर से दुनिया के मानचित्र पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने अर्नी यूनिवर्सिटी की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला और कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी हिमाचल और देश के विद्यार्थियों को नए नए अवसर प्रदान कर रही है और शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रही है। इस विशेष अवसर पर डॉक्टर विवेक सिंह ने लॉर्ड रामी रेंजर का हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरे अर्नी परिवार और हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है। इस सम्मानजनक आमंत्रण और अपने प्रभावशाली संबोधन के जरिए डॉक्टर विवेक सिंह ने न केवल भारत की बल्कि हिमाचल प्रदेश की छवि को भी वैश्विक मंच पर और मजबूत किया है। अर्नी यूनिवर्सिटी के इस उपलब्धि पर समस्त अर्नी परिवार को ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं भी दी हैं। इस ऐतिहासिक क्षण ने न केवल अर्नी यूनिवर्सिटी बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश को गर्वित किया है और ये संकेत दिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे प्रदेश के संस्थान भी वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं।